द्वारा नगर हवेली राज्य विधि एक सेवा प्राधिकरण द्वारा सायली गा कानूनी शिविर नु आयोजन कराय हतु। दादरा नगर हवेली राज्य विधि एक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सेलवास द्वारा समग्र भारत जागृति अभियान अंतर्गत सायली गा मफत कानूनी सेवाओं अंगे शिविर नु आयोजन कर सरकार की विविध योजनाओं अंगे जानकारी आपवामां आवी हती। नागरिक ने लगता विविध कायदाओ स्त्रीओ अने बाळको ने लगता कायदाओ अंगे जानकारी आपवामां आवी हती। आ शिबिर में डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ना जज बार एसोसिएशन ना सभ्य मोटी संख्या में ग्रामजन उपस्थित रहा हता। भाई बोला आपको कुछ आपने एक दो तीन लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ लेना। मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में 3 साल काम किया, आदिवासी इलाका अपना सब, वो भी वहाँ पे धानोरा तालुका में एक मेंढा बोल के गाँव है, कौन सा गाँव है, मेंढा। वो ग्राम गांव के ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में रेजोल्यूशन किया, ठहराव किया। क्या किया मालूम है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में वो किसी को पैसा देगा नहीं। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर मेरे गाँव का किसी भी आदमी को कोई तकलीफ होता है तो पूरा गांव ऑफिस में जाएगा। पहले 10 दिन जाए, पहले 10 लोग जाएगा कि मेरा ये आदमी का काम क्यों नहीं हो रहा पूछने के लिए, है ना। उसके बाद पूरा गांव जाएगा। वो मेंढा गांव इतना आदर्श गांव है तो वो गांव का एक भी आदमी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक पैसा भी नहीं देता, उसका 100% काम होता है। तो अपना उनका है, राष्ट्र का है, डोमिसाइल है, एप्लीकेशन भी आपके पास जो वसी होगा, रिसीट होगा, तो उसका जेरोक्स एक पूरा लिस्ट के साथ मेरे ऑफिस में लेके आइए। उसके भाई है ना, लेके आइए, मैं आपके सामने ही मामलेदार साहब को बुलाता हूँ, उसके कुछ प्रॉब्लम क्या है उनको पूछता हूँ और जल्दी से जल्दी उसका समाधान करने का ट्राई करता है ना। अब ये स्कीम, किसके लिए स्कीम है, हाँ? अरे स्कॉलरशिप एक ही दिन पटक के रखे हैं, पूरा स्कीम, एजुकेशन है, मेडिकल है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए स्कीम, किसके लिए, जनता के लिए, और आप मुफ्त में स्कीम है ये आदिवासी के लिए, तो मुफ्त में स्कीम है। लेकिन ये स्कीम आप भी आई क्या, स्कीम पहले से हमको क्यों नहीं मिल रही, स्कीम का फायदा बेनिफिट अपने को क्यों नहीं मिल रहा, जागरूकता नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हम वो ऑफिस में जाने से डरते हैं, हमारा हक का हम सवाल पूछने से डरते हैं, वो डरना नहीं है। अब बोले दो चक्कर हो गया, ऐसी बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। उनको लिखित में पूछते हैं मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, उनका काम है वो, तुम्हारा जो भी काम उनका कर्तव्य है वो, है ना। तो जागरूकता चाहिए, जागरूकता के लिए क्या चाहिए, भोया सर बोले, मोर्चा भाई बोला, एजुकेशन चाहिए, नौकरी मिले या ना मिले एजुकेशन चाहिए, हम अपने आपके लिए आपको एजुकेशन ही चाहिए।